कहते हैं विकास लोगों की सुविधा के लिए होता है, लेकिन यदि विकास कार्यों में अनियमितता बरती जाए तो वही विकास लोगों की जान पर बन जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है जयपुर में मुहाना मंडी के पास बनी रिंग रोड के साथ। रिंग रोड को बनाया गया था तो लोगों की सुविधा के लिए, ताकि वहां चालकों को आने जाने में परेशानी ना हो, लेकिन अब ये रिंग रोड हादसों को आमंत्रित कर रहा है। वाहन चालक अब इस रिंग रोड पर चलने से भी डरते हैं, क्योंकि रिंग रोड की साइड की मिट्टी धस गई है, जिसके कारण रोड की साइड में बनी रोलिंग बुरी तरह से टूट गई है। इसके कारण यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। मिट्टी धसने का कारण लोग प्रशासन की लापरवाही मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि रिंग रोड के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। लोगों ने मांग की है कि रिंग रोड में प्रयुक्त निर्माण सामग्री की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और प्रशासन तुरंत रिंग रोड को दुरुस्त करवाए, ताकि कोई बड़ा हादसा होने से टाला जा सके। देखिए वीडियो। मैं एक हिंदुस्तान का अच्छा नागरिक होने के कारण इस वजह से ये बात बोल रहा हूँ कि जो कि अपना ये रिंग रोड बना है स्थित सांगानेर मुहाना मंडी के पास में, इसमें गवर्नमेंट की और जिन लोगों ने ये बनाया है उनकी सच्चाई दिख रही है। एक बारिश के अंदर ऐसा माहौल हो गया है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा रोड जगह जगह टूटा हुआ है। आज अपने जयपुर के अंदर जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, जगह जगह क्या क्या हो रहा है। गवर्नमेंट को किसी को चीज़ से मतलब नहीं है, लेकिन किसी का बच्चा या किसी का परिवार का सदस्य कोई भी कहीं पर जाता है ना दुनिया छोड़ के, तो उसी को ये बात पता है कि उनके साथ में क्या बीती है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब मैं आपको है ना जो कुछ दिखाना चाहता हूँ, और इस चीज़ को आप इतना फॉरवर्ड कीजिए, मैं हाथ जोड़ के मेरे से विनती है, आपसे विनती है मेरी कि ये चीज़ अगर फॉरवर्ड होगी तो गवर्नमेंट की भी आगे खुलेगी, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, ठेकेदार तो एक ही है ना इस चीज़ को बनाने वाला। तो उसने है ना जो फर्स्ट ग्रेड का माल ना लेके इतनी गलत चीज़ें यूज़ में लिए, क्योंकि एक बारिश में चली गई, अगर किसी का बेटा बच्चा के साथ में कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? ना तो कोई गवर्नमेंट हो सकती है, ना कोई ठेकेदार हो सकता है। तो सिर्फ मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ, इसको इतना शेयर कीजिए कि हर इंसान को ये पता चल जाए कि अपनी गवर्नमेंट और अपने आदमी है ना जो खुद का सोचते हैं, ना कि अलग पर्सन का किसी का सोचते हैं। धन्यवाद भाइयों, मेरी यही निवेदन है आप लोगों से। दिखाओ, दिखा दो मुझे सही से। ये देखिए भाई, ये सब भाई साहब टूटा हुआ है, और मैं आपको इतना ज़्यादा टूटा हुआ दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, ये रिंग रोड की हालत है। ये है रिंग रोड की हालत, जिसमें गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्च करे हैं, लेकिन किसी की जान की कोई कीमत नहीं है भाई साहब। नहीं नहीं, दलदल में नहीं, मैं सच्चाई में फंस चुका हूँ। बाकी वहाँ पे ना दलदल ज़्यादा थी। ये देखिए, ये ऊपर रिंग रोड जा रहा है और ये पूरी जो नाली निकालते हैं ना वो पूरी टूटी हुई है। आप है ना जो भैया, मेरे को वहाँ पे थोड़ा सा ले चलिए जहाँ पे इतना बड़ा कांड हुआ है, जिसको दुनिया हल्के में लेगी, हालांकि वो हल्के की चीज़ नहीं है। देखिए सर, ये देखिए सर, मैं हर हिंदुस्तानी आदमी को दिखाना चाहता हूँ, ये ऊपर रोड जा रहा है और ये पूरा खड्डा हो चुका है, जहाँ से पानी आने का होता है ना रोड का, वो पूरी जगह टूट चुकी है। ये देखिए, आगे भी बहुत है अभी सर, ये देखिए, ये रिंग रोड टूटा हुआ है पूरा। बहुत ही मतलब किसी की जिंदगी की कोई भी वैल्यू नहीं है इन लोगों की नज़र में, कमाई हर चीज़ नहीं होती भैया।
मैं अब बहुत भयानक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, मैं बहुत भयानक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ी सी जूम कर। ये किसी भाई की कार जा रही है ऊपर से। उनको ये भी पता नहीं है कि जिस जगह वो खड़े हैं ना, उस जगह इतना खड्डा है नीचे कि हमारी जान भी जा सकती है। ऐसा माहौल है, ये बिल्कुल ये रोड टूट चुका है। और आप देखिए, मैं आपको जूम करके और दिखा देता हूँ। ये लगभग रोड का एक चौथाई हिस्सा है ना जो खड्डे में घुस चुका है भाई साहब। और मैं हिंदुस्तान की जनता से ये बोलना चाहता हूँ कि इस चीज़ को अच्छे से फॉरवर्ड करें। हालांकि अपनी गवर्नमेंट को, हर सदस्य को पता चले कि हमारी गवर्नमेंट कैसी है और क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। सर धन्यवाद, मैं हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।